सो फाइनली यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी आप देख सकते हो दोनों ही वॉचेस की यहाँ पे इस तरीके से मिलती है। और यहाँ पे आई गेस ये वाली ऑन नहीं हो रही है एक्चुअली, तो हो गई देख सकते हो इस तरीके से सनलाइट विजिबिलिटी मिलती है। और लुक और फील तो कमाल का है ही दोनों का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो इस तरीके से मिल जाता है आपको ओवरव्यू यहाँ पे इस तरीके से। दोनों में ही अपनी पिक वाइज वॉचेस लगा सकते हो, बट यहाँ पे जो एम्ब्रेन वाइज की ईओन है ये वाली, ये मेरे को 999 में पड़ी थी। यस गाइस, आपने इसे सुना, 999 रुपीज़ की मैंने बाई की थी ऑन ऑफर बिग बिलियन ने सेल पे। एक घंटे के लिए गई थी सिर्फ, एक घंटे के लिए सेल पे गई थी और जो प्राइस था वो 999 रुपीज़ था। बट अब जो इसका प्राइस बढ़ चुका है, तो अगर आपने उस टाइम नहीं ग्रैब की तो बहुत सारे लोगों ने तो 800-900 रुपये में ग्रैब की थी इसको। आई डोंट नो यहाँ पे 800 में कैसे ग्रैब कर ली। तो बट गाइस जो भी है, 1000 रुपये के प्राइस में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रही। और यहाँ पे ये वाली जो है आपकी फेनिक्स तो मैंने अंडर 2000 रुपीज़ में 1899 में ली थी मैंने ऑन ऑफर, बट अभी इसका जो प्राइस है 2500 या 3000 रुपये हो चुका होगा, इसका 2000 रुपये है। तो यहाँ पे क्या मतलब 2000 रुपये के अंडर कौन सी वॉच बेटर रहेगी या 2500 रुपये के अंडर कौन सी वॉच बेटर रहेगी, इन दोनों में से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे स्टेनलेस स्टील का डायल मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे पॉली कार्बेट बिल्ड मिलता है। पहले मेरे को लगा था यहाँ पे मेटेलिक बिल्ड मिलेगा, बट ये मेटेलिक नहीं है, पॉली कार्बेट है, लाइट वेट है। वैसे दोनों ही स्किन रिस्ट पे भी चल जाएंगी, लार्ज टू मीडियम टू थिन तीनों ही रिस्ट पे आपकी परफेक्ट लगती है दोनों ही वॉचेस। और बिल्ड क्वालिटी में कहना चाहता हूँ कि फिनिक्स का जवाब नहीं, फिनिक्स मतलब अच्छी मतलब बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। और डेडिकेटेड यहाँ पे SP2/4 मोटर का सेंसर मिल जाता है और यहाँ पे चार्जिंग पेस मिल जाती है दोनों में ही। ये आपको बड़ा सा वेंट मिलता है, आई डोंट नो यहाँ पे ये माइक का वेंट है, यस ये स्पीकर का वेंट है राइट। और तो गाइज ये रहा माइक का शायद लग रहा है मेरे को। और उसी के साथ साथ यहाँ पे वन सेकेंड इसको मैं उतार लेता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे एक्यूरेसी टेस्ट कर पाएँ हम। सो फीचर्स मैं सारे के सारे नहीं बताऊंगा, उसमें टाइम लग जाता है एक्चुअली, हर एक वॉच में सेम ही फीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे पूरा एलैबोरेट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। वैसे तो सारी चीज़ें मतलब A to Z बताओ यहाँ पे, बट कुछ चीज़ों पे मैं यहाँ पे प्रकाश डालना चाहता हूँ, यहाँ पे रोशनी डालना चाहता हूँ, लाइट डालना चाहता हूँ। वो है आपके सेटिंग में जाके कुछ चीज़ें जो होती है मतलब मैक्सिमम वॉचेस में मिलती है, मैक्सिमम वॉचेस में नहीं मिलती है। यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा था, ओके अब हो चुका है। यहाँ पे रिंग एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, रिंग एंड वाइब्रेशन ऑप्शन मतलब मोड आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे फिनिक्स में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है, यस फिनिक्स में वो ऑप्शन नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा फ्लॉ है फिनिक्स में, ये OTA अपडेट के थ्रू रिजॉल्व हो सकता है, बट पता नहीं कंपनी कब तक डालेगी, वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी तो फिलहाल आपसे। और यहाँ पे फोन ऑन ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप चूज कर सकते हो आपको कॉल वाला ऑन रखना है कि नहीं। यहाँ पे कहाँ गया, आई गेस यहाँ पे इसमें मिलता है आपको, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैनुअली ऑफ नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ गेम सेम्स किस में मिलते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे रोटेटिंग मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे गेम्स भी मिल जाते हैं, बट कैलकुलेटर नहीं मिलता। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बटन टैप करते तो ऑफ हो जाता है, नीचे की साइड से हम स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे गेम्स मिल जाता है, बट यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा इसमें फ्लॉ है, अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए तो कॉलिंग प्रो के लिए जाना पड़ेगा, निंजा कॉलिंग प्रो जो फायरबोल्ट की है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ठीक है। और ओवरऑल सारी सारी चीज़ें सेम ही है, बट यहाँ पे हम एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टेप्स चलूँगा 50 ठीक है, ताकि हम यहाँ पे प्रॉपरली चेक कर पाएँ। स्पोर्ट्स मोड में चलते हैं यहाँ पे, ओके स्पोर्ट्स मोड नहीं है बेसिकली, ये आपका जो आपने एक्सरसाइज परफॉर्म किया वो शो करता है। वॉकिंग करते हैं यहाँ पे, 50 स्टेप चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे मिलती है एक्यूरेसी। सो यहाँ पे 53 स्टेप्स दिखा रहा है और यहाँ पे 78 दिखा रहा है। यहाँ पे एम्ब्रेन की वाइज और में ज़्यादा एक्यूरेट मतलब स्टेप्स काउंटिंग हो रही है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही कम हो रही है जो आपकी एक्यूरेसी मिलती है वो कम ही हो रही है। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अब कैसे काम करते हैं यहाँ पे सरफेस टेस्ट पे चेक करेंगे अभी SP2/4 को, बट उससे पहले हम कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं दोनों में से किस में बेटर मिलती है ठीक है। सो यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पे दोनों में ही, और इस तरीके से रीसेंट में चलते हैं वैसे तो यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे लाउडनेस कैसे मिलती है। ओके काफ़ी लाउड है इसमें, आपको लाउडनेस थोड़ी सी कम मिलती है, कहना चाहता हूँ ये तो सुनाई दे रही है वाइज ईओन आपकी, और फिनिक्स में आपको ज़्यादा लाउड मिलता है। और वैसे हिंदी सपोर्ट दोनों ही करते हैं मतलब फॉन्ट्स, और ये अच्छी बात है, और ट्रांसफर भी कर सकते हो कॉल को आप। मेरे को ज़्यादा लाउड डेफिनेटली फिनिक्स ही लग रही है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब यहाँ पे हम वो चेक करते हैं, वॉइस असिस्टेंट है ना वो ज़रूरी है, तो यहाँ पे तो इसमें तो नहीं है इधर की साइड, बट यहाँ पे शॉर्टकट्स में ज़रूर मिलना चाहिए। ओके गाइस वो तो चला गया, यहाँ मिलता है क्या, यहाँ ये रहा ठीक है। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, इसमें आ रहा है एक्चुअली, इसमें ओके इसमें इसमें सही से सुना नहीं एक्चुअली ठीक है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब गाइस यहाँ पे एक्यूरेसी और टू सरफेस चेक कर लेते हैं कैसे मिलती है SP2/4 की ठीक है, करते हैं
तो यहाँ पे दोनों में ही चेक हो रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। तो 93 दिखा रहा है, आई डोंट नो, यहाँ पे ऑटो सरफेस यहाँ पे स्कैन कर रहा है एम्ब्रेन, और यहाँ पे फिनिक्स में डेफिनेटली एक्यूरेसी बेटर मिलती है मेरे ख्याल से, है ना, एज़ कम्पेयर टू एम्ब्रेन। तो फिनिक्स अच्छा परफॉर्म करी यहाँ पे, ऑटो तो सरफेस नहीं बताती है, बट यहाँ पे एम्ब्रेन आपकी बता देती है। SPU2 चेक करते हैं, एम्ब्रेन तो थोड़ी सी डाउन ही निकली, ये चेक कर रही है, देखते हैं यहाँ पे। ओके, एम्ब्रेन अब नहीं बता रही है SPU2 लेवल मॉनिटर में, और यहाँ पे ये वाली वॉच भी नहीं बता रही है, मतलब फिनिक्स आपकी बता रही है कि नहीं बता रही है, आई डोंट नो, ये तो मतलब अपोजिट हो गया, फिनिक्स आपकी हार्ट रेट में नहीं बताती है और वो आपकी SPU2 में नहीं बताती है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब गए ऑटो द हैंड्स पहन लेते हैं और एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं ऑटो द हैंड्स पहन के अपने ऑक्सीमीटर से। सो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, स्किनी रिस्ट पे भी चल जाएंगी दोनों ही वॉचेस, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीमीटर को हम ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे जब तक हम SPU24 को लगा देते हैं काम पे, हीरा, और यहाँ पे 90 दिखा रहा है आपका SPU2 और 91 आपका हार्ट रेट मॉनिटर दिखा रहा है, 90 तक दिखा रहा है, और इसमें अभी भी स्कैन हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे कितना दिखाता है बीट्स पर मिनट आपका हार्ट रेट, यहाँ पे तो 87 हो चुका है, और यहाँ पे अभी भी स्कैन चल ही रहा है, देखते हैं कब तक बताता है, टाइम लेगा कितना। और SPU2 तो 97-98 पे ही फ्लक्चुएट कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो 83 दिखा रहा है। तो फिनिक्स में एक्यूरेसी डेफिनेटली एम्ब्रेन के मुकाबले ज़्यादा मिलती है, बट स्टेप्स काउंटिंग में एक्यूरेसी कहीं ना कहीं फिनिक्स में थोड़ा सा डाउन ही मिलती है। तो यहाँ पे एम्ब्रेन पीछे हो चुकी है, और यहाँ पे ये जीत चुकी है फिनिक्स आपकी, ठीक है। अब गैस SPU2 चेक करते हैं, हीरा, तो गैस दोनों में स्कैन हो रहा है, और यहाँ पे तो 97 शो कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, मतलब वॉच तो दोनों ही अच्छी है, बट बिल्ड क्वालिटी बेटर अगर आपको चाहिए तो फिनिक्स के लिए जाना पड़ेगा। ओवरऑल स्टेनलेस स्टील का डायल है, और ओवरऑल लुक और फील बहुत ज़्यादा प्रीमियम आता है, और बहुत ज़्यादा स्लिम भी है वॉच है। तो गैस अंडर 2000 रुपीज के प्राइस बैग में डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, 2500 में भी डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, बट अगेन आपको 3000 रुपये मिलती है तो मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी। और एम्ब्रेन की वाइज ऑन आपकी 2000 रुपये के अंडर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, 2000 के ऊपर आपको इसको बाय नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 1500 मिल जाती तो और भी कमाल की बात है, बट मेरे को तो 1000 में मिली है, कभी कभार साल में एक बार कुछ ऑफर आता है तब मिल जाती है। ऐसे तो यहाँ पे बिग बिलेंडे सेल पे भी 1899 में गई थी, ये आपकी 999 में एक घंटे के लिए गई थी, वैसे नॉर्मली जो प्राइस रहा था 1499 रुपये रहा था इसका, या 1299 आप सोच सकते हो, इतना रहता है। तो वैसे मेरा वोट जाता है फिनिक्स को। अगर आपको क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।